हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने कहा कि लगभग प्रदेश में जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने कहा कि 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आज उनका मिनिमम पे स्केल है, उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि कौशल रोजगार के जो सभी भाई बहन हैं उन्हें आज इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। सीएम नायब सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से ये लागू होगा। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले हुए हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में HKRN के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके बाद आज यानी 1 जुलाई से सीएम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी कर उन्हें लाभार्थी बना दिया है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि HKRN के लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी में नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि HKRN के सिस्टम को हमारी सरकार ने बनाया। साथ ही कुछ समय पहले ये ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें शोषण होता था, ये धंधा कांग्रेस के समय से चलता था। सीएम ने कहा कि इतना शोषण होता था, कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था, ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मैनेज तरीके से पैसा पहुंचाने का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकारी या प्राइवेट जगह ज़रूरत है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, इसमें कोई लीकेज ना हो, इसका काम हमारी सरकार ने किया। साथ ही हरियाणा के जितने भी युवा कौशल रोजगार निगम में लगे हैं वो पारदर्शी तरीके से लगे हैं। पहले की सरकार में हमने देखा कि नौकरी लगने के लिए भी मानधन देना पड़ता था। सीएम ने कहा कि मनोहर लाल ने पारदर्शी आधार पर नौकरी देने का काम किया। सरकार के इस कदम में कितना फर्क पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।